वेलकम टू माय चैनल एंड आज मैं नारद मुनि की तरह ऐसा नहीं करने वाली हूँ। मैं आप सब में एक्चुअली आपको नोटिस कराना चाहती हूँ कि मैं आज डिफरेंट हेयर स्टाइल बना के आई हूँ, क्योंकि यू गाइज हैव बीन लाइक कोमल प्लीज चेंज योर हेयर स्टाइल, हम बोर हो चुके हैं, नाक के ऊपर तक पानी जा चुका है, अब हम नहीं देख सकते। सो आई एम लाइक अब तो करना ही पड़ेगा इससे पहले कि वॉच टाइम की बत्ती लगे। सो मैं आज प्रस्तुत हूँ आपके सामने इस ब्रांड न्यू तो नहीं बोलूंगी लेकिन हाँ डिफरेंट हेयर स्टाइल में मैंने थोड़ा सा ट्राई किया। एंड बाय द वे यहाँ पे जो छोटे छोटे बाल ऐसे स्टैटिक अवस्था में है इनका प्लीज मजाक ना उड़ाया जाए, इन पे कार्यवाही चल रही है और अपने आप बढ़ जाएंगे, तो प्लीज ओम इग्नोराय नमः। चलिए आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग इसलिए और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। अफोर्डेबल तो है ही नहीं, पैसे तो हम खर्च कर ही नहीं रहे। जो भी सारे आपके किचन में इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे हम बनाएंगे एक बढ़िया सा लेप जो कि काम करेगा आपकी बॉडी पॉलिशिंग में। सो अभी क्या चल रहा है, फेस्टिव सीजन और साथ में आ रहे हैं शादियाँ भी। तो हाँ शादियों और फेस्टिव सीजन में क्या कॉमन होता है हम लड़कियों के लिए, वो होता है वैक्सिंग। खट 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 हमको लगातार इस काम में लग जाना होता है। तो व्हाट हैपेंस इज जब हम कंटिन्यूसली ऐसे वैक्सिंग वगैरह करवाते हैं, शेविंग करवाते हैं, तो हमारे बम्स हो जाते हैं और कभी कभी रेडनेस आ जाती है और उससे स्पॉट्स पड़ जाते हैं एंड इचनेस हो जाती है। उसके अलावा भी हमारे बहुत सारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं जो कि हम हाथ पैरों का ध्यान नहीं दे पाते हैं, पूरी बॉडी का ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आज का वीडियो है बहुत ही काम का उन लेडीज़ के लिए जो कि मना रही हैं किसी ना किसी की शादी या फिर दिवाली, तो सभी मनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बढ़िया सा वीडियो। मेक श्योर हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड बाय द वे टुडेज लिपस्टिक इज दिस, जो आपको मिलेगी नहीं फॉर श्योर बता देती हूँ, एंटीक कलेक्शन है मेरे पास। सो दिस इज L18 कलर बूस्ट लिपस्टिक इन द शेड 02 प्राइम रोज ब्लश। इससे मिलता जुलता कोई शेड मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो प्लीज उसे इंजॉय करेगा। अभी के लिए ये वाला वीडियो देखिए, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और कुछ मैं भूली तो नहीं टीचर जी, नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपको लेना होगा एक बाउल में 4-5 टेबलस्पून प्लेन व्हीट फ्लावर, जिस आटे की हम रोटियां बनाते हैं और खाते हैं, उसकी आधी क्वांटिटी का आपको चाहिए होगा बेसन। नेक्स्ट आपको चाहिए होगा थोड़ा सा नींबू, मतलब आधा नींबू। नेक्स्ट आपको चाहिए होगा 1/4 टेबलस्पून हल्दी, मतलब टर्मरिक, ये आपको इजीली किचन में मिल जाएगी। आपको चाहिए होगा 4-5 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल। नेक्स्ट आपको लेना होगा आमंड ऑयल, मतलब बादाम का तेल, यहाँ पे आपको 1 टेबलस्पून बादाम का तेल लेना है। और आपको चाहिए होगा ज़रूरत के अनुसार मिल्क। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को वन बाय वन करके आपको जिस भी प्रपोर्शन में आप इनको ऐड करना चाहते हैं, लाइक जिस भी ऑर्डर में आप इनको ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मेक श्योर करना है कि इस जो हम पेस्ट बना रहे हैं इसमें जरा से भी लम्प्स नहीं हो। उसके बाद में हल्दी डाल दें, उसके बाद में ज़रूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा इसमें दूध डालते हुए इस मिक्सचर को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। नाउ ये वाला मिक्सचर आपको ध्यान रखना है, एकदम से ज़्यादा दूध आप नहीं डालें वरना बिल्कुल लिक्विडी हो जाएगा। एंड उपटन की खासियत होती है कि वो थोड़ा सा थिक पेस्ट होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे उपटन फॉर्म कर रहे हैं जो कि देखा जाए तो फेस पैक से भी काफ़ी हद तक गाढ़ा होता है। तो इसको बनाने के लिए आपको धीरे धीरे ही और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही दूध को ऐड करना है। एक साथ पूरा उसमें डाल देंगे तो बस हो गया काम, ऐसा बिल्कुल मत करिए। थोड़ा थोड़ा स्कोप डालेंगे, आपको काफ़ी अच्छे से टाइम भी मिलेगा उसको मिक्स करने का। इसको लम्प फ्री बनाने तक, मतलब जो भी इसमें गुठलियाँ वगैरह होती हैं उनको आप पूरी तरीके से निकाल दें। आप नहीं चाहते हो जब आप बॉडी उपटन लगाएं और आपकी बॉडी पे वो आटे की जो गोलियाँ होती हैं वो ऐसे ब्रस्ट हो। ऑब्वियसली यू डोंट वांट दैट, होता अच्छा इंग्रेडिएंट ही है लेकिन क्यों ना हम इसको एज अ पेस्ट ही लगाएं। सो जब आप इसमें थोड़ा सा स्कोप रखेंगे धीरे धीरे मिल्क डाल के ऐड करने का और पेस्ट बनाने का, तब आप काफ़ी अच्छे से इस मिक्सचर को बना पाएंगे ईजिली। तो जब ये सारी चीज़ें हो जाएं उसके बाद में आपको आपकी क्लीन स्किन से ट्राई करना है, स्टार्ट करना है इस चीज़ को। यहाँ पे मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था मेरे लेग से। नाउ आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैनिंग है, शेविंग के बाद में जो बम्स हो जाते हैं उनके बहुत ज़्यादा स्पॉट्स रह जाते हैं, वो चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को भी ये काफ़ी अच्छे से दूर करता है। नाउ अगर मैं बात करूँ इस मिक्सचर को आपको लगाना कैसे है, थोड़ा सा उपटन आपकी फिंगर्स पे लेना है एंड देन रब करते हुए इसको सर्कुलर मोशन में आपको आपके पूरे स्किन पे लगाना है। नाउ यहाँ पे मैं आपको डेमो करके दे रही हूँ मेरे लेग पे, मतलब मेरी पैरों पे और हाथों पे। सिमिलरली आप आपकी बॉडी पे भी इसको कर सकते हैं।
सबसे अच्छा टाइम इस चीज़ को करने का है बिफोर टेकिंग शावर, क्योंकि जब आप शावर में जाएंगे तब आप इसको अच्छे से धो सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आप इस सर्कुलर मोशन में आपको इसको मसाज करते हुए जाना है। नाउ अगर मैं बात करूं जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड किए हैं, तो सबसे पहले आता है प्लेन आटा। आटे के अगर आप थोड़ा सा महसूस करेंगे तो ये हल्का सा टेक्सचर्ड होता है जो कि अच्छे से हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, और सिमिलरली काम होता है बेसन का। नाउ बेसन बहुत अच्छे से हमारी स्किन को ग्लोई बनाने में भी हेल्प करता है और काफ़ी अच्छे से एक्सफोलिएट करता है। हल्की सी दानेदार सी उसकी कंसिस्टेंसी होती है जो कि बेहतर रहती है अगर हम स्क्रब की बात करें तो। हमने इसमें ऐड किया है मिल्क जो कि काम करता है हमारी स्किन को एक वाइटनिंग यू नो प्रोवाइड करने का। जो भी हमारे टैनिंग की वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है उसको ये काफ़ी अच्छे से क्लीन करता है, टैन फ्री बनाता है। अगर मैं बात करूँ कोकोनट ऑयल की, कोकोनट ऑयल से बेहतर शाइनिंग कहीं नहीं हो सकती। देखा जाए तो ये शाइन काफ़ी हद तक रुकती भी है, कम से कम 3 से 4 दिन तक आप ये शाइन को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मैं इसमें बात करूँ आमंड ऑयल की ना, आमंड ऑयल में बहुत अच्छी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपकी स्किन को बहुत अच्छे से ग्लोई बनाने में हेल्प करता है। अगर मैं बात करूँ इसमें हल्दी की, जो कि हमने बात नहीं करी, तो हल्दी में होती हैं एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट, ये वाली सारी चीज़ें होती हैं, एंटी इन्फ्लामेशन वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं हल्दी में, जो कि हमारी स्किन से जो भी डार्क स्पॉट्स रहते हैं उन सबको भी काफ़ी हद तक कम करता है। आपको उसको रब करते हुए आपकी स्किन पे लगाना होता है, और आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे जिस भी तरीके से मेरे हाथों की टैनिंग वगैरह आपको दिख रही थी, डार्क स्पॉट्स दिख रहे थे, पिगमेंटेड एरिया जो होते हैं सन एक्सपोजर की वजह से बर्निंग हो जाती है, स्किन बहुत ज़्यादा फ्लेकी सी हो जाती है, बहुत ज़्यादा सूखी सूखी हो जाती है, एंड ऑफकोर्स विंटर्स भी आ रहे हैं। तो ये उपटन लिटरली बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है आप लोगों के लिए, ज़रूर ट्राई करेगा इसे। ऑफकोर्स नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स का एक ब्लेंड है जो कि एक पेस्ट के फॉर्म में है, जो कि काफ़ी अच्छा भी रहता है। अगर मैं बात करूं उन लोगों की जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है अपने बॉडी हेयर से, तो देखिए अगर आप इस उपटन को कंटिन्यूसली ट्राई करेंगे वीक में 2 से 3 बार, आई एम श्योर एंड आई कैन गारंटी यू आपकी जो हेयर ग्रोथ होती है आपके बॉडी पार्ट्स पे वो भी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। आई वुड नॉट से कि एक ही बार में सारे बाल निकल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इट इज़ अ उपटन, लेकिन ये इस चीज़ में भी काफ़ी अच्छे से हेल्प करता है क्योंकि इसमें है बेसन, हल्दी और दूध का मिश्रण। आपकी बॉडी को साबुन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना बेहतरीन बॉडी लेप का काम करता है ये। सारे इंग्रेडिएंट्स की जानकारी मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। बात करी जाए इसको कितनी देर रखना है, सिर्फ 15 से 20 मिनट। और हाँ, इसको निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जब ये हल्का सा ड्राई हो जाए, लाइक ऑलमोस्ट ड्राई हो जाए, उसके बाद में हल्का सा हाथों को गीला करके एंड देन सर्कुलर मोशन में निकालना है। क्योंकि हम चाहते हैं जो हमारी जो हेयर ग्रोथ होती है हमारी बॉडी पार्ट्स पे वो भी एलिमिनेट हो, और जो भी डार्क स्पॉट्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है, पिगमेंटेशन होती है, वो भी इस तरीके से जो हम यू नो एक्सरसाइज करते हैं वहाँ पे, उससे काफ़ी हद तक रिमूव हो जाती है। देखा जाए तो इन जो ड्राई पाउडर्स थे इनको आप 1 हफ्ते तक स्टोर भी कर सकते हैं मिला के, लेकिन जैसे ही आप इसमें डालेंगे कोकोनट ऑयल या फिर मिल्क, उसके बाद में आपको इस उपटन को 1 से 2 दिन में ही फिनिश करना होगा, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। फ्रिज में तो आपको रखना ही है जिसमें और ज़्यादा टाइट हो जाता है ये, तो प्लीज़ ऐसा अवॉइड करें। और जब आपने इस उपटन को ट्राई कर दिया हो, उसके बाद में आप लगा सकते हैं आपका कोई सा भी फेवरेट मॉइस्चराइज़र, और उससे अच्छे से आपकी स्किन को एक बार मसाज कर दें, एंड दैट इज ऑल। इतना ही इजी था इस उपटन को बनाना और तैयार करना और लगाना। बहुत ही इजी से इंग्रेडिएंट है, जरूर ट्राई करेगा इसको। एंड मात्र इतना ही मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती थी इस वीडियो में। आपको अच्छा लगा ये वाला वीडियो तो आपको करना है इस वीडियो को लाइक,
शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अगर मैं आपको इतना कन्विंस कर पाई कि इस वीडियो को खत्म होते ही आपकी जरूरत पड़ते ही आप ये वाला DIY ट्राई करने वाले हैं, तो ऐसे और भी आगे बहुत सारे लोग कन्विंस हो जाएंगे। कन्विंस होते होते तो मेरी दिवाली आप समझ रहे अच्छी मनी जाएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कर लेना, और अगला वीडियो बिल्कुल टाइम पे एंजॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किरण नहीं करना पड़ेगा, कोमल करना पड़ेगा। उसके लिए सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसको पक्का हिट कर लीजिएगा, वरना आपको वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्दी अगले अमेजिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नारायण नारायण, बाय बाय, लव यू ऑल सो मच।